हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर प्रीवियस चैप्टर फाइन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस लिक्विडिटी रेशियो ठीक है उसके अंदर क्या क्या था करेंट रेशियो एंड क्यूक रेशियो तो वो हमने विद एग्जाम्पल uh, देखे थे उसके कुछ क्वेश्चन करे थे तो आज हम सेकेंड रेशियो पढ़ेंगे इसमें टोटल आपके कितने रेशियो हैं थ्री रेशियो हैं तो ये आपका सेकेंड रेशो है सोलवेंसी रेशो ओके तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे इसके जो भी इसके अंदर फॉर्मूलेज आते हैं वो भी हम डिस्कस आज करेंगे विद क्वेश्चंस। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिए ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं सोलवेंसी रेशो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसका कुछ डिटेल में लिख रखा है क्या लिख रखा है ये देखिए द पर्सनस हू हैव एडवांस मनी टू द बिजनेस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ देयर पीरियडिक पेमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट एज वेल एज द रिपेमेंट ऑफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग पीरियड ठीक है जो भी कोई एक पर्सन है ठीक है उसने एक एडवांस मनी लेर किए किसके लिए बिजनेस के लिए, बिजने के लिए? और लॉन्ग टर्म बेसिस लॉन्ग टर्म बेसिस मीन्स कि वन ईयर से आवे टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ईयर ठीक है तो उसका जो पीरियडिक है जैसे वो थ्री मंथ या फोर मंथ में जो इंटरेस्ट पेड करेगा या री पेमेंट करेगा उसका जो मेन अमाउंट उसने ली थी ठीक है यहाँ तक बात समझ में आती है तो उसे क्या कहते हैं सोलवेंस अब यहाँ क्या है सोलवेंसी रेशो आर कैलकुलेट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इन डेप्ट इन द लॉन्ग टर्म सोलिनसी रेस्टो क्या है वो कैलकुलेट करता है कि जो एक पर्सन ने या बिजनेस ने कुछ जो लोन लिया था क्या वो उसके लायक है क्या वो वो जो डेप्ट ले रहा है जो उधार ले रहा है वो क्या उसे पे कर पाएगा या नहीं ठीक है तो अगर हमें बिजनेस में देखना है कि ये अपना जो इन्होंने उधार लिया ये चुका पाएंगे या नहीं तो हमें सोलेंसी रेशो के रेशो को करना पड़ेगा ओके तो आप देख सकते हो आप यहाँ द फॉलोइंग रेशो आर नॉर्मली कंप्यूट फॉर ई वैल्यूड सोलवेंसी ऑफ द बिजनेस ठीक है सोलवेंसी रेशो में हम क्या करते हैं सोलवेंसी ऑफ द बिजनेस निकालते हैं ये आपके एम में भी आ सकता है ओके देन तो इसमें फोर टाइप्स के रेशियो हैं जिससे हम सोलवेंसी ऑफ द बिजनेस निकाल सकते हैं कौन कौन से देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसमें डेप्ट का बहुत मेन रोल है आपका किसका डेप्ट का ओके okay. तो फर्स्ट है आपका डेप्ट इक्विटी रेशो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है क्या होता है देखो यहाँ लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड बात समझ आ रही है जितना उनका फंड होगा शेयर होल्डर फंड का ठीक है और जितना उनका लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा इनको डिवाइड कर देंगे ठीक है लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या कि जो भी उन्होंने उधार ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ आ जाएगा और जितना उनका शेयर होल्डर फंड है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा ओके तो अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको समझ में आ ही जाएगा तो इसका क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है आपको अच्छे तरीके से पता है बैलेंस शीट क्या होती है तो अब अब आपको याद रहता हूँ डेप्ट इक्विटी रेशियो हमने क्या पढ़ा था लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड अब ये है शेयर होल्डर फंड ठीक है कितना हो गया ट्वेल्व लैख टू लैख वन लैख कितना हो गया फिफ्टीन थाउज फिफ्टीन लैख सॉरी तो ये देखो ये सब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको तो सिंपल सा करना है कि आपको क्या करना है लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है और शेयर होल्डर फंड निकालना है तो आपका कितना क्या आ जाएगा डेप्ट इक्टी रेस्ट आ जाएगा अब आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म डेप्ट के क्या क्या होते हैं और शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं अभी मैंने आपको गिराया है फिफ्टी लाख तो शेयर होल्डर फ़ंड देख लो यहाँ तो आपको हेड देखा बहुत है बहुत इजी है शेयर होल्डर फंड है इसके अंदर ये सब हेड हैं तीन तो इनको ऐड कर दिया हमने ट्वेल्व लेख टू लैख वन लेख कितना हो गया फिफ्टीन लैख अब लॉन्ग टर्म क्या देखेंगे हम डेप्ट देखेंगे ओके तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग अदर लॉन्ग टर्म लैबिटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो जो भी लॉन्ग टर्म के नाम से है वह सब इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग अदर लॉन्ग टर्म लैबिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो ये आपने देख लिया ये तीन आपके क्या हो गए लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गए तो फोर लैख फोर्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड कितना हो गया वन लेख और फोर लेख में हम इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया हमारा फाइव लैख तो फाइव लेख हमारा क्या आ गया लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया है और सेल रोड रिफंड कितना आ गया है फिफ्टीन लैख आ गया है अब फिर सिंपल सा इसको फॉर्मूले में रख लो डेप्ट इक्विटी रेशियो टू लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन सेल होल्डर फंड ओके तो ये कितना आ रहा है आपके जीरो पॉइंट थ्री थ्री रेशो वन ओके तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है तो मैं बार बार आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूँ तो इसको ध्यान से रखना और नोट डाउन भी करते रहना कि डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेप्स अपॉन सेल होल्डर फंड ओके तो अब हम देखेंगे अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे इसका प्रोप्राइटरी रेशो अब प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है ये देखो प्रॉपर्टी रेशो एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ शेयर होल्डर फंड टू टोटल टो एसेट्स ठीक है शेयर होल्डर फंड को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स से ये बात ध्यान रखना डेप्ट इक्विटी रेशो में क्या हुआ था लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड और यहाँ क्या है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स टोटल सेल उडो फंड को आप क्या कहते हो प्रोपराइटर फंड भी कहते हैं इसलिए इसे प्रॉपर्टी रेशो कहते हैं ये बात भी ध्यान रख सकते हो कि सैर उडो फंड को प्रोपर्टी रेशो प्रोपर्टी फंड कहते हैं और इसका क्या निकालते हैं हम प्रोपर्टी रेशो निकालते हैं अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा ये देखो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑपटेन फ्रॉम द बुक ऑफ हीरा लिमिटेड कैलकुलेट प्रोपर्टी रेशो तो प्रोपर्टी रेशो निकालना है इसका सिंपल सा अब देखते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है देखो प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग मोटर कार फर्नीचर इन्वेंट्री ट्रेड रिसबल ओके और कैश एट बैंक नॉन करेंट लाइवीज करेंट लाइवीज ठीक है तो आप क्या करोगे जब आपको टोटल एसेट्स निकालना है जैसे यहाँ दिखा देखो प्रॉपर्टी रेसो टू सेल्ड ऑफ फंड अपॉन टोटल एसेट्स तो ये जो आपका से प्लांट से कैसेट बैंक तक है ठीक है प्लांट से कैसेट बैंक तक है ये सब आपका क्या है ये सब है आपका नॉन करेंट एसेट्स ठीक है ये क्या है नॉन करेंट एसेट्स है, ठीक है बात समझ में आ रही है ओके हो गया फिर फिर क्या आता है इसमें से हमें क्या करना है करेंट एसेट्स भी निकालनी है तो अब यहाँ देखो ये देखो टोटल एसेट्स क्या है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स तो नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या है प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग मोटर कार फर्नीचर तो ये जो फिक्स एसेट्स हैं वो क्या हुए नॉन करेंट एसेट्स हो गए फिर क्या है करेंट एसेट्स एसेट्स इन्वेंट्रीज हो गई आपकी ट्रेड रिसिएबल हो गया और कैसेड बैंक हो गया बात समझ में गए हो गए तो अब आपको टोटल कर लोगे सिंपल सा जो जो आपको दे रखा है जो अमाउंट आपको दे रखे जिस चीज़ की वो आप ऐड कर लोगे तो आपका थर्टी फोर लेख थर्टी थाउजेंड आ जाएगा ओके okay? तो थर्टी फोर लेख थर्टी थाउजेंड आ गया तो आप तो, तो, तो ट्वेल्थ के बच्चे हो तो आपको तो ईजी से आ जाएगा तो आपको इधर डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एलेवंथ में अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो अब हमें निकालना क्या है अब हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड ठीक है शेयर होल्डर फ़ंड हम कैसे निकालते हैं ये देखो एक एक चीज़ देखो यहाँ आपको एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी अब ठीक है अब हमने कह दिया तो सीखने को तो मिलेगी ही तो देखो एक फार्मूला होता है जो कि आप नोट डाउन कर लेना टोटल एसेट्स इक्वल्स टू ठीक है टोटल एसेट्स तो को इक्वल्स टू करेंगे हम शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइवटीज प्लस करेंट लाइबिस तो नॉन करेंट लाइबिस हमें पता ही है करेंट लाइविटीज़ भी हमें पता है ओके okay? और टोटल एसेट्स भी हमने ये निकाल दिया है ओके टोटल एसेट्स भी निकाल दिया है Same. तो आप क्या करेंगे हम इसको शेयर होल्डर फंड को इधर ले आएंगे तो टोटल एसेट्स को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा या आप एक काम करो शेयर होल्डर फंड को यहीं रहने दो और नॉन करेंट लाइबिटीज और करेंट लाइबिटीज को उधर ले आते हैं इक्वल के तो यहाँ फार्मूला क्या बन गया है शेयर होल्डर फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिटीज माइनस करेंट लाइबिटीज इस फार्मूला इन्होंने यही करा है कि नॉन करेंट लाइविटीज और करेंट लाइबिटीज को इधर ले गए तो यह हो गया है। तो आपको ये याद रखना है शेयर होल्ड ऑफ फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लाइविटीज़ माइनस करेंट लाइबिस तो अब आप क्या कर सकते हो अभी आप यहाँ देख सकते हो टोटल एसट था आपका थर्टी फोर लेख थर्टी थाउजेंड जो कि आपने ये निकाला था ओके और आपका नॉन करेंट लाइविटीज़ कितनी है टेन लैख ठीक है ये दिख रहा है आपको यहाँ आप आपका टेन लैख और करेंट लाइविटीज़ कितनी है आपकी ये देखो सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड आ गया तो हमने टोटल एसेट्स में से नॉन करेंट लाइविटीज टेन लाख माइनस करा फिर करेंट लाइविटीज माइनस करा सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो हमारा कितना आया एटीन लाख टेन थाउजेंड तो अब आपको पता ही है प्रॉपर्टी रेशो इक्व टू शेयर आउड ऑफ फंड अपॉन टोटल एसेट्स तो हमने यहाँ कर दिया है तो हमारा कितना है जीरो पॉइंट फाइव टू सेवन ओके ये रेशियो हमारा आ गया है तो प्रॉपर्टी रेशो भी सीख लिया हमने तो अब क्या सीखेंगे हम ओके स्टूडेंट्स तो हमने अभी तक देख लिया है अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्या देख रहे हैं टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो ये थोड़ा ब्लर आ रखा है तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है देखो आपको दिख रहा होगा इजीली तो ये हम आप सीखेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो अब यहाँ नाम से ही क्लियर है ठीक है कि टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट ठीक है ये थोड़ा लॉजिक है तो टोटल एसेट डेप्ट रेशो का क्या होगा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट जो भी आपने लॉन्ग टर्म जो भी एसेट्स है आपको उसको डिवाइड करने किससे लॉन्ग टर्म डेप्ट से आपको अभी क्वेश्चन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो अब आप यहाँ देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जो नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है इससे आप निकालो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो हमें निकाल के दिखाओ अब यहाँ क्या क्या दे रखा है इक्विटी शेयर लाइविटीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग सरप्लस दे रखा है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जनरल रिजर्व करेंट लाइविटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन ठीक है ये सब हमें दे रखे अब आपको पता ही क्या होता है फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेसो का टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके टोटल एसेट्स क्या क्या हैं ठीक है लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट की लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या क्या है इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन है फर्स्ट सेकेंड क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग इन दोनों को आप ऐड कर लो आपका क्या आएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट आएंगे ओके तो यहाँ नीचे आपको दिखा भी रखा है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है आपका वन लैख एट्टी थाउजेंड और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कितना वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो सिंपल सा थ्री लैख आ गया है क्लियर है यहाँ तक बात थ्री लैख आपका आ गया है अब देन अब टोटल एसेट्स निकालना है हमें टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐड कर लेंगे सरप्लस को ऐड कर लेंगे और जनरल रिजर्व को एड कर लेंगे देन करेंट लाइविटीज़ को भी ऐड कर लेंगे ठीक है जितना आइटम बचा है वो सब ऐड कर लेंगे बाकी हम क्या निकालेंगे लॉन्ग टर्म बोलेंगे और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न तो हमने निकाल ही दिया लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए तो ये सब ऐड करा तो ये सब ऐड करा तो हमारा कितना आया नाइन लेख आप चाहे ऐड कर लेना नाइन लेख ही आएगा तो आप, आप सिंपल सा रखना है क्या रखना है तो टोटल एसेट्स की जगह कितना रखा है नाइन लैख अपऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है आपका थ्री लैख अपॉन थ्री लैख तो आपका कितना आएगा थ्री आंसर आएगा ठीक है मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये रहा ठीक है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो आपका टोटल एसेट्स कितना है था नाइन लैख और आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है था थ्री लैख तो हमने डिवाइड करा थ्री रेशो वन सिंपल है ठीक है तो थ्री रेशो वन आ गया आपका अब क्या करेंगे हम अब नेक्स्ट देखेंगे आपका लास्ट क्या है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो ठीक है इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे अब हम तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका भी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉमेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है आपको क्या क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा फोर्टी परसेंट फिफ्टीन परसेंट डेवेंचर आपको दे रखे वन लाख ,00 रुपीज़ के और ट्वेल्व परसेंट मोर्टेज लोन दे रखा है आपको वन लैख ठीक है तो अब आपको क्या निकालना है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आपका फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट बात समझ में आ रही होगी अब यहाँ हमारे पास डेप्ट क्या क्या है एक तो पंद्रह परसेंट जो डेवेंचर है वो है हमारे डेप्ट और ट्वेल्व परसेंट जो मोर्टेज लोन है वो है हमारे डेप्ट अब आपको पता ही है कि जो ये परसेंटेज दी होती है डेवेंचर के साथ या लोन के साथ तो ये क्या होता है ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है कि एक साल में हम बारह परसेंट इस अमाउंट का लेंगे जैसे ये वन लेख है वन लेख का पंद्रह परसेंट ठीक है फिफ्टीन परसेंट इसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा तो यहाँ देखो यहाँ इन्होंने निकाल रखा है कि जैसे कि आपको पता ही इंटरेस्ट कवरेज का क्या है फॉर्मूला याद रखना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन तो लॉन्ग टर्म डेफ्ट तो हम पहले क्या निकालेंगे क्या निकालेंगे देखो नेट प्रॉफ़िट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक है तो यहाँ हमें जो दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये देखो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रवल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन हंड्रेड माइनस टैक्स रेट अब आप क्या हुए कि टैक्स रेट हमें कैसे पता चलेगा तो ये आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है यहाँ फोर्टी परसेंट ठीक है फोर्टी परसेंट दे रखा है तो इट मीन्स यहाँ जाएगा टैक्स रेट और नेट प्रॉफिट कितना आएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आपको दे रखा है अपॉन हंड्रेड में से फोर्टी आप टैक्स रेट माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा सिक्सटी आएगा इंटू हंड्रेड तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका टू लेख आ गया है क्या गया आ गया आपका टू लैख नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका टू लैख आ गया अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट ये तो बहुत हीजी है ठीक है इसमें क्या है इंटरेस्ट हो की फिफ्टीन परसेंट आप निकाल दोगे वन लैख का और ट्वेल्व परसेंट निकाल दोगे आपको वन लेख का ठीक है ये दोनों आपके हैं तो यहाँ देखो फिफ्टीन परसेंट निकाल रखा है वन लैख का प्लस ट्वेल्व परसेंट निकाल रखा है वन लैख का मोर्टेज का ट्वेल्व परसेंट और डेवेंचर का फिफ्टीन परसेंट तो दोनों निकाला का निकाला पहले डेवेंचर का आया फिफ्टीन थाउजेंड और मोटेज का कितना आया ट्वेल्व थाउजेंड दोनों को ऐड करा कितना आया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आपका आ गया इंटरेस्ट अब इस फॉर्मूले में पुट अप कर लो वैल्यू सिंपल सा ठीक है क्या है देखो अब आया ये क्या निकाला था हमने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल लिया हमने ठीक है अब ये क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अब नेट प्रॉफ़िट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है हमें तो ये क्या है टैक्स हो गया तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकला टू लैख और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है तो इसमें ये प्लस करा तब ये हो गया टू लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है अगर नहीं आ रही हो तो मैं बाबू समझाता हूँ कि हमने जो ये निकाला था ये निकाला था हमने बिफोर टैक्स क्योंकि हमने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया था तब हमारा आया है टू लैख बट इसमें फॉर्मूले में क्या पूछा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो हमने एक टैक्स तो निकाल दिया है इंटरेस्ट नहीं निकाला है तो इंटरेस्ट जब हमने लॉन्ग टर्म डिप्ट का निकाला ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वो हमने प्लस कर लिया तो कितना आ गया टू लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आप क्या करना है आप फॉर्मूले में रख देना है तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना निकाला हमने ट्वेंट टू लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और आपका क्या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिप्ट कितना आया था ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आया था तो ये आपने यहाँ लिख दिया है ठीक है अब आपने अपॉन करा तो ये क्या टाइम्स में ठीक है ये जो रेशो होता है ये किस में आता है टाइम्स में आता है ठीक है ये टाइम्स में आता है तो ये कितना है का एट पॉइंट फोर वन टाइम्स ओके तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसे भी आप कर सकते हो तो ये सब क्वेश्चन आप इजली कर सकते हो और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशो पढ़ेंगे इसके ही चार फॉर्मूले हैं ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स तब तक बने रहिए और सीखते रहिए और अपने दोस्तों को भी सिखाते रहिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग